हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने अपने चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग में बात की थी अबाउट एप्लीकेशन ऑफ फैजांस रूल्स के बारे में। ठीक है, हमने थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने उसकी एक और एप्लीकेशन पढ़ी थी, दैट इज कलर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, कि कैसे आपके अलग अलग जो कंपाउंड्स होते हैं वो कलर शो करते हैं। ठीक है, ये दोनों आपने की एप्लीकेशन हमने देख ली थी। आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और इसी की एक और इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दैट इज सोल्युबिलिटी। कैसे हम फैजांस रूल के जरिए आपकी जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा कंपाउंड ज़्यादा सोल्युबल होगा, कौन सा कम होगा, उनका वेरिएशन क्या होता है और उनका ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अपनी फोर्थ एप्लीकेशन है फैजांस रूल की, दैट इज सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। अगर हम देखिए सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए सोल्युबिलिटी में क्या होता है, अगर हम बात करें कोई भी कंपाउंड सोल्युबल है या नहीं है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है उनके बीच में जो बॉन्ड है, अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वैसे सोल्युबिलिटी जो है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्युबिलिटी, अगर हम बात करें कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सोल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उसमें फर्स्ट जो फैक्टर रहेगा जिसे हम बोलते हैं आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि जो आपकी जो सोल्युबिलिटी है वो आपके अलग अलग जो सॉल्वेंट होते हैं जिनके अंदर हम किसी भी कंपाउंड को सोल्यूट कर रहे हैं, मतलब मिक्स कर रहे हैं, ठीक है ना, उसका सोल्यूशन बना रहे हैं, तो वो जो आपका सॉल्वेंट होता है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सोल्युबिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी। तो देखिए जैसे हम बात करें आपके आयनिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है, ये मान लो आपके पास ए प्लस और बी माइनस, ये आपका आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपको पता ही है इलेक्ट्रोस्टेटिक फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। ठीक है, और जब भी सोल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट आता है आपको ये चीज़ याद रखनी है कि कोई भी कंपाउंड आयनिक कंपाउंड सोल्युबल तभी होगा जब वो उस सॉल्वेंट में ए प्लस जो है अलग हो जाए और जो आपका बी माइनस है वो क्या हो जाए, अलग हो जाए। ठीक है, सॉरी, तो जैसे ए प्लस है इसका भी एक प्लस बन जाए और आपके जो बी माइनस आयन है वो भी आपका आयन की फॉर्म में हो जाए, एक्वस की फॉर्म में, मतलब कुल मिला के ये जो आपका अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में, इस अट्रैक्शन बॉन्ड को इस अट्रैक्शन फोर्स को अपने को क्या करना है, ब्रेक करना है। ठीक है, तो वो आपकी डिपेंड करता है आपकी नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर। ठीक है, इसमें फर्स्ट जो आता है आपका, जिसे हम बोलते हैं, जिससे हम पता करते हैं आपकी सॉल्वेंट के कैरेक्टर के बारे में कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी क्या है, वो आता है आपका डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, ये आपके एक सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है ना, हर एक सॉल्वेंट के लिए हम एक डाइइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट एक टर्म होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो वो यही चीज़ है कि जैसे ये आपका ए प्लस आयन है और ये आपका बी माइनस आयन है। ठीक है, जब हम इसे वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, सोल्यूशन हम बनाते हैं वाटर के अंदर, ठीक है ना, तो देखिए अगर हम इसको वाटर के अंदर सोल्यूबल करते हैं तो वाटर में आपको पता होगा वाटर में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर आपका एक पोलर कंपाउंड होता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाटर की ऑक्सीजन की ज़्यादा होती है इसलिए इसके ऊपर डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है इसलिए इसके ऊपर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन पर होता है आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो जब हम इसको पानी के अंदर मिक्स करेंगे इस आयन को, ठीक है, तो ये जो आयन आपका लैटिस फॉर्म होता है उसमें होता क्या है, ये जो बी माइनस आयन है, ठीक है, ये जो आपके वाटर मॉलिक्यूल है इसका जो पॉजिटिव चार्ज है जो एच प्लस वाला पार्ट है वो क्या करता है आपके इस बी माइनस पार्ट के नज़दीक आता है। ठीक है, अपोजिट चार्ज है वो नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर इसके चारों तरफ
जो वाटर के हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है वो इसको क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। ठीक है, चारों तरफ से जो नेगेटिव चार्ज है ठीक है ना, उसको आपके हाइड्रोजन जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको चारों तरफ से क्या करेंगे, सराउंड करेंगे। सेम इसी तरह जो आपका पॉजिटिव कैटायन है उसको कौन सराउंड करेगा, वाटर का नेगेटिव मॉलिक्यूल, नेगेटिव पार्ट जो आपका है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो क्या करेगा, इसको सराउंड करेगा। तो देखिए वो क्या रहा है, यहां से आपका जो केटायन है उसके ऊपर ऑक्सीजन जो है नेगेटिव चार्ज वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, और इन दोनों के बीच में तो पहले से अट्रैक्शन फोर्स होता ही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, और बी माइनस आयन पे आपका जो एच प्लस है वो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है। मतलब ये जो आपका एक केटायन है ठीक है, ये आपका एक केटायन है और एक आपका एनायन है, ठीक है। केटायन को आपका जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ऑक्सीजन, जो आपका नेगेटिव चार्ज है वाटर मॉलिक्यूल का, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और जो आपका एनायन है उसको आपका वाटर मॉलिक्यूल का एच प्लस वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब जो आपका केटायन और एनायन दोनों को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब दोनों अपने एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, उससे होगा क्या, देखिए ये जो ए प्लस है और ये बी माइनस है, इनके बीच में जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो क्या होगा, धीरे धीरे आपका वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। सेम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपके केटायन और एनायन होंगे, जो एनायन, एनायन के पार्ट को आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसका एच प्लस अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जो आपका केटायन पार्ट है उसको आपका ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। दोनों एक दूसरे को खींचेंगे तो ए और बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर होने लगेगा। बस सॉल्वेंट की यही जो प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पे हमने सॉल्वेंट क्या लिया है, वाटर। अगर हम वाटर की जगह आपका मान लो एल्कोहल ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हम एल्कोहल ले लेते हैं, C2H5OH, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए उस कंडीशन में भी सेम ही होगा, ये आपका ए प्लस है और ये आपका बी माइनस है, ठीक है। बी माइनस को आपको अट्रैक्ट करेगा एच प्लस, ठीक है, एच डैश ओ डैश C2H5, HOC2H5, ठीक है, चारों तरफ से अट्रैक्ट करेगा, ये हाइड्रोजन के ऊपर प्लस चार्ज होगा, ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज होगा, तो ऑक्सीजन आपका अट्रैक्ट करेगा यहां से, ठीक है। सेम थिंग वही होगी, जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो धीरे धीरे क्या होगा, वीक होगा। अब ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक करने की जो टेंडेंसी होती है उसे हम बोलते हैं आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और वो होती है हर एक सॉल्वेंट के लिए अलग अलग, ठीक है। हाइड्रोजन, अगर हम बात करें आपके वाटर मॉलिक्यूल के लिए, तो वाटर मॉलिक्यूल की जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो होता है हाईएस्ट, दैट इज 81, ठीक है ना। वाटर हैज हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है ना, इसको मैं अभी आपको लिखवा देता हूँ, इसकी वैल्यू होती है 81, कैसे इसे डिनोट करते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है आपके 81, ठीक है, हाईएस्ट होती है, जबकि एल्कोहल की बात करो तो लगभग ये अराउंड 30 के आसपास होती है, ठीक है ना। इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, एज ए यूनिवर्सल सॉल्वेंट काम में लेते हैं। आपको पता होगा जो आपके लेबोरेटरीज वगैरह होती है वहाँ पे भी अगर आपको कोई सॉल्यूशन बनाना होता है तब आप किसे काम में लेते हो, आप वाटर को ही काम में लेते हो, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि वाटर की जो डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट होता है वो मैक्सिमम होता है, ठीक है, मतलब कोई भी आपका जो कंपाउंड है वो वाटर में आसानी से क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहें तो जो केटायन और एनायन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है उसको ब्रेक करना है, और उसको ब्रेक करने की जो टेंडेंसी है जिस सॉल्वेंट में सबसे ज़्यादा होगी उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी ज़्यादा होगा। अगर उस सॉल्वेंट की ये जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको ब्रेक करने की टेंडेंसी कम है तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, मतलब वो जो आपका आयोनिक कंपाउंड है वो केटायन और एनायन दोनों में क्या होगा, आसानी से ब्रेक हो जाएगा। आसानी से अगर ब्रेक हो गया मतलब वो क्या हो गया, आपका
उसी सॉल्वेंट में सोल्यूबल हो गया, मतलब वो आसानी से सॉल्वेंट सोल्यूबल हो जाएगा। मतलब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा उसमें आपके सोल्यूबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसको हम थ्योरी फॉर्म में लिख लेते हैं। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें, देखो डेफिनेशन रटना नहीं है, ठीक है ना, आपको समझ में आना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है क्या, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स, ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयनिक कंपाउंड, ठीक है ना, इसे हम क्या बोलते हैं आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्वेंट टू ब्रेक द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन आयनिक कंपाउंड इज नोन एज इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसे हम के से रिनोट करते हैं। ठीक है, और जितना ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, सो मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मोर विल बी द सोल्युबिलिटी, मोर विल बी द सोल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा आप देखिए वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर की जो सोल्युबिलिटी होती है, वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मैक्सिमम होता है। ठीक है ना, वाटर हैज द मैक्सिमम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जिसके लिए के की वैल्यू होती है 81। ठीक है, दैट्स व्हाई और दैट इज व्हाई वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्लियर है। अब देखिए वाटर जो होता है नेचर में पोलर होता है। ठीक है ना, पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के आपके सॉल्वेंट होते हैं, उनके बारे में हम और आगे डिटेल में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ठीक है ना, अभी आप ध्यान रख लीजिए कि वाटर जो होता है आपका नेचर में कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है, तो जो आपके पोलर कंपाउंड होते हैं वो आपके पोलर जो आपका सॉल्वेंट होता है उसके अंदर ईजिली डिजोल्व हो जाते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड आपके पोलर सॉल्वेंट में ईजिली क्या हो जाते हैं, आपके सोल्यूबल हो जाते हैं। जबकि आपका जो नॉन पोलर कंपाउंड होता है वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व होता है। इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं आपका लाइक डिजोल्व लाइक, क्या बोलते हैं, लाइक डिजोल्व लाइक कॉन्सेप्ट। मतलब आपका जो पोलर कंपाउंड होगा, ठीक है ना, कोई भी आपका कंपाउंड है जैसे HF ले लीजिए आप, इसके ऊपर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इस पर डेल नेगेटिव और हाइड्रोजन पर डेल पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जो HF है वो आपका H2O जो आपका पोलर सॉल्वेंट है उसमें ईजिली डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, पोलर प्लस पोलर, ठीक है, ये तो आपका हुआ लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। मतलब जो पोलर कंपाउंड है वो किस में डिजोल्व होगा, आपके पोलर सॉल्वेंट दैट इज H2O में। नॉन पोलर सॉल्वेंट भी होते हैं, जैसे आप ले लीजिए CCl4, ठीक है, वो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। तो जो आपके नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो उसमें ईजिली क्या हो जाते हैं, सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है ना, कुल मिला के ये जो बॉन्ड होता है ना, इस बॉन्ड को ब्रेक करने की टेंडेंसी होती है। अब पोलर कंपाउंड रहेगा तो आपके पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ईजिली वो ब्रेक हो जाएगा। जबकि आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा तो ये जो बॉन्ड है वो ईजिली ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए क्योंकि अगर नॉन पोलर रहेगा तो उसमें कोई भी चार्ज आपका इंट्रोड्यूस ही नहीं होगा, ना कोई आपका नेगेटिव पोर्शन रहेगा ना आपका पॉजिटिव पोर्शन रहेगा, तो ये जो बॉन्ड है अट्रैक्शन फोर्स है ये ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी जो सोल्युबिलिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। पोलर प्लस पोलर, ठीक है, और अगर हम नॉन पोलर की बात करें
तो नॉन पोलर आपके जो सोल आपका जो कंपाउंड होगा वो किस में सोल्यूबल होगा, आपके नॉन पोलर सोलवेंट में, ठीक है। ये नॉन पोलर कंपाउंड, ये आपका पोलर कंपाउंड, ठीक है, और ये आपका पोलर सोलवेंट, ठीक है। ये चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। इसके बारे में पोलर नॉन पोलर के बारे में हम और आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसी में चैप्टर में अपना एक डाइपोल मोमेंट करके एक अपना टॉपिक रहेगा, उसमें हम और डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हुआ फर्स्ट फैक्टर, दैट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसके ऊपर आपकी सोल्युबिलिटी क्या होती है डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, फिर हम पढ़ते हैं अपने सेकेंड फैक्टर के बारे में, ठीक है। ओके, चलिए अब हम पढ़ते हैं अपना सेकेंड फैक्टर, ठीक है ना, जिसे हम बोलते हैं आपका लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। सेकेंड फैक्टर होता है आपका जिसके ऊपर आपकी सोल्युबिलिटी डिपेंड करती है, दैट इज लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। लैटिस एनर्जी के बारे में तो हमने पढ़ ही लिया है पहले, ठीक है ना, कि आपके जो आपका लैटिस बना है उसको उसके गैसियस कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। तो लैटिस एनर्जी की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस। इसकी एक्चुअल डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो 1 मोल लैटिस को जो आपके फॉर्म होते हैं उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम बोलते हैं आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। बट यहाँ हम टेक्निकल डेफिनेशन पर नहीं जाते हैं, हम सिंपल बात करते हैं आपके जो लैटिस को ब्रेक करना है उसके लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। बाकी जनरली तो हम इसको 1 मोल के लिए ही डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो देखिए एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस, ठीक है। तो लैटिस बनता कैसे आपको पता है, ये आपका कैटायन, ठीक है, इसको चारों तरफ से आपके एनायन सराउंड करते हैं, ठीक है, और फिर आपके जो एनायंस हैं उनको आपके कैटायन सराउंड करते हैं, ठीक है। तो आपको इन सब बॉन्ड को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो इन सब को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी दी जाती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, आपकी लैटिस एनर्जी, ठीक है। एक चीज़ तो ये, अब अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी डिपेंड किसके ऊपर करती है, ठीक है, तो लैटिस एनर्जी हमें पता है, आपको पता होगा लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, जैसे ये आपका कैटायन है, ठीक है, और ये आपका एनायन है, ठीक है। इन दोनों के ऊपर आपका बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, ठीक है। तो आपको कैटायन और एनायन के इस बॉन्ड को ही तो ब्रेक करना है, ठीक है। तो यहां से हमें पता है, और अगर हम बात करें यहां पे, अगर बात करें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को, ठीक है, तो ये आपका कैटायन है और ये आपका एनायन, ये ऑलमोस्ट एक दूसरे को टच किए हुए रहते हैं लैटिस में, ठीक है ना, ये डिफरेंस इतनी जो आपका डिस्टेंस है उतनी नहीं रहती, ठीक है। तो अगर आपकी कैटायन की रेडियस को मैं RC बोलता हूँ और एनायन की रेडियस को RE बोलता हूँ, RA बोलता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हुई आपके RC प्लस RA के इक्वल, ठीक है। और लैटिस एनर्जी जो होती है आपके वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन के, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो लैटिस एनर्जी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, रेडियस, डिस्टेंस बिटवीन कैटायन एंड एनायन, कितनी डिस्टेंस है आपके, RC प्लस RA, ठीक है, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है लैटिस एनर्जी के लिए हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि कैसे हम लैटिस एनर्जी को यूज करते हैं आपकी सोल्युबिलिटी को कंपेयर करने के लिए, ठीक है। एक फैक्टर तो आपका ये है, ठीक है, कि लैटिस एनर्जी कैसे डिपेंड करती है, ठीक है। वहीं अगर हम दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर है आपका हाइड्रेशन एनर्जी। क्या है आपका, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है,
देखिए, ये हो सकता है आपके लिए नया टर्म हो, तो मैं आपको बताता हूँ। जो आपका आयोनिक कंपाउंड होता है, ठीक है ना, ठीक है, इसको आपके क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो आपके इसको सराउंड करते हैं, ठीक है ना। हाइड्रेशन मतलब जो हमने पढ़ा है, ये आपका केटायन है, ठीक है। केटायन को क्या करते हैं, जब हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं तो केटायन को पॉजिटिव चार्ज है, अगर हम वाटर में सोल्यूबल करें तो वाटर का नेगेटिव पार्ट इसको चारों तरफ से क्या कर लेता है, सराउंड कर लेता है। मतलब ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट होता है क्योंकि उसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। H2O में अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये डेल नेगेटिव, और हाइड्रोजन के ऊपर डेल पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। तो ऑक्सीजन इसको क्या करेगा, चारों तरफ से सराउंड करेगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होती है किसी भी आयन को वाटर के जरिए सराउंड करने की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन, ठीक है ना। द प्रोसेस इन विच द केटायन, ये केटायन के लिए भी है, सेम टू सेम आपके एनायन के लिए भी होगी, क्योंकि एनायन का जो नेगेटिव पार्ट है उसको कौन सराउंड करेगा, आपका पॉजिटिव, दैट इज एच प्लस, ठीक है, तो वो सराउंड करेगा। द प्रोसेस इन विच द केटायन एंड एनायन पार्ट्स आर सराउंडेड बाय अपोजिटली चार्ज वाटर मॉलिक्यूल आयंस इज नोन एज हाइड्रेशन। इसे हम क्या बोलते हैं, आपका हाइड्रेशन। मतलब वाटर मॉलिक्यूल ने क्या किया, जो आपके आयंस हो उसको चारों तरफ से सराउंड कर लिया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइड्रेशन। और इस प्रोसेस में जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। एंड द एनर्जी रिलीज इन दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी उतना ही वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से उसको सराउंड करेंगे, ठीक है। जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करेंगे उतनी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी होगी, और जितने ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल उसको सराउंड करेंगे उसकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको पता होगा जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके चार्ज अपॉन साइज के, ठीक है। अगर हम चार्ज को सेम रखते हैं तो हाइड्रेशन एनर्जी है जो वो डिपेंड करेगी आपके साइज के ऊपर, ठीक है। अब ये साइज आपके केटायन के ऊपर भी है और आपके एनायन के लिए भी है, दोनों के लिए, ठीक है ना, क्योंकि सोल्युबिलिटी तो हम केटायन और एनायन दोनों के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो ये जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है ये एक बार तो आएगा RC के इक्वल, साथ में प्लस रहेगा ये आपके 1/RA। मतलब हाइड्रेशन एनर्जी जो डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है आपके 1/RC प्लस 1/RA के इक्वल, ठीक है। मतलब केटायन की रेडियस और आपके एनायन की रेडियस दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, मतलब केटायन की साइज और एनायन की साइज, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डिफरेंस है जो आपको ध्यान रखना है कि जो लैटिस एनर्जी है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, RC प्लस RA के। वहीं आपकी हाइड्रेशन एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपके 1/RC प्लस 1/RA के, या फिर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/RC प्लस 1/RA के, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। फिर मैं आपको बताता हूँ कि जो आपकी सोल्युबिलिटी होती है उसका प्रोसेस क्या होता है, ठीक है ना, कैसे आपका आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व होता है, ठीक है ना, उसका प्रोसेस क्या है, एक बार आप इसे नोट कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आपका कोई भी कंपाउंड जो होता है पानी में आपके सोल्यूबल कैसे होता है, ठीक है। देखिए, दो फैक्टर हमने पढ़े हैं, ठीक है ना, सोल्युबिलिटी के लिए। एक तो क्या था आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था आपके डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में। तो हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं आपके वाटर में, ठीक है।
तो आपका वो फैक्टर तो कंसिडर हो जाता है, ठीक है। दूसरा जो हमने पॉइंट पढ़ा था आपका लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, तो अब हम जो कंपैरिजन करेंगे आपके सोल्युबिलिटी का, वो हम कंपैरिजन करेंगे किसके बेसिस पे, आपकी लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका, दैट इज प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन, कि मतलब आपका जो आयनिक कंपाउंड है वो पानी में कैसे डिसोल्व होता है। सिंपल प्रोसीजर तो यही होता है कि आप कोई भी आयनिक कंपाउंड लीजिए, उसे वाटर में मिक्स कर दीजिए, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है, सोल्यूबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो अपना सिंपल नॉर्मल प्रोसीजर है, वो तो सबको पता है, ठीक है ना। तो आपको देखना है कि उसके पीछे की साइंस क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सिंपल नेचर आपका सिंपल तरीका तो क्या है, ये आपका आयनिक कंपाउंड है, ठीक है, इसको आपने क्या किया, वाटर के अंदर मिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये आपके ए प्लस एक्वस और आपके बी माइनस एक्वस, ठीक है, इसमें अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। एक्वस का मतलब क्या है, ए प्लस आयन को वाटर के जो मॉलिक्यूल है उसने चारों तरफ से सराउंड कर लिया, एक्वस मतलब वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। बी माइनस मतलब वाटर मॉलिक्यूल के जो पॉजिटिव चार्ज है उसने क्या किया, बी माइनस को चारों तरफ से सराउंड कर लिया, मतलब ये अलग अलग हो गए, ठीक है, इसलिए हम इन्हें क्या लिखते हैं, एक्वस फॉर्म में, ठीक है। ये तो ही सिंपल सी बात, ठीक है। अब हम बात करें कि हुआ कैसे होगा, तो देखिए होता ऐसे है कि ये जो आपका आयोनिक कंपाउंड है, ये आपका क्या है, आयोनिक कंपाउंड, या फिर हम कहें इसके आयोनिक लैटिस जो होता है, ठीक है, ये आयोनिक लैटिस सबसे पहले आपके आयोनिक ए प्लस गैस और आपके बी माइनस गैस में ब्रेक होता है, ठीक है। डिसोल्यूशन की जो प्रोसेस होती है उसमें आपके जो लैटिस होता है, ठीक है, उसको कुछ ना कुछ हमें एनर्जी देनी पड़ती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपकी लैटिस एनर्जी। ये जो लैटिस है इसको ब्रेक करने के लिए, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में उसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम क्या बोलते हैं, आपकी सिंपल या तो लैटिस एनर्जी बोलेंगे, दैट इज डेल्टा एच लैटिस, या फिर आप इसे सिंपल लैटिस एनर्जी भी बोल सकते हो, ठीक है, ये हमने देख लिया है। तो आपको लैटिस एनर्जी देनी पड़ेगी, उससे क्या होगा, ये आपके ए प्लस गैस और बी माइनस गैस के अंदर पहले ब्रेक होगा, उसके बाद ये जो आपका ए प्लस गैस आयन है, ठीक है, ये आपका हाइड्रेशन एनर्जी लेके, ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी मतलब वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड करेंगे, उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो आपके हाइड्रेशन एनर्जी लेके ये आपका ए प्लस गैस किस में कन्वर्ट होगा, आपके ए प्लस एक्वस में, सेम टू सेम आपका जो बी माइनस गैस है वो किस में जाएगा, आपके बी माइनस एक्वस में। यहाँ जो एनर्जी आपको रिलीज होगी उसे हम क्या बोलेंगे, आपकी डेल्टा एच हाइड्रेशन, ठीक है, ये होगी आपके केटाइन के लिए, ए प्लस के लिए। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम बोलेंगे डेल्टा एच हाइड्रेशन, ये किसके लिए, आपके एनायन, दैट इज बी माइनस के लिए, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी तो हमेशा क्या होगी, आपके रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज, एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। जबकि ये जो लैटिस एनर्जी होती है ये आपको देनी पड़ती है, तो यहाँ पे एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्ब, एनर्जी जो होगी वो होगी एब्जॉर्ब। तो देखिए सिंपल प्रोसेस है, आयनिक लैटिस है उसको जब आप वाटर में मिक्स करते हो तो सबसे पहले वो आपके उसका जो लैटिस होता है वो ब्रेक होता है, उस लैटिस को ब्रेक करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसे हम बोलते हैं आपकी लैटिस एनर्जी। वो आपके ए प्लस गैस और बी माइनस गैस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद उसका होता है हाइड्रेशन, ठीक है, जहाँ पे एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसे हम बोलते हैं आपकी हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। ए प्लस गैस आपके ए प्लस एक्वस में जाता है और बी माइनस गैस आपके बी माइनस एक्वस की फॉर्म में अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी कंपाउंड अगर आपका सोल्यूबल है तो वो किस कंडीशन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर, ठीक है, क्योंकि दो ही एनर्जी यहाँ पे आपके इन्वॉल्व हो रही है। अब देखिए अगर अगर यहाँ पर आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी कम है और हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, ठीक है, अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका ए प्लस गैस है उसकी ए प्लस एक्वस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। सेम टू सेम जो आपका बी माइनस गैस है, अगर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है तो बी माइनस गैस की भी टेंडेंसी क्या है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके एक्वस फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि आपके ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है। अगर मान लो लैटिस एनर्जी ज़्यादा है तो आपको पहले तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ये आपका एक्वस फॉर्म में जाएगा, ठीक है। अगर ये एनर्जी तो हमारे लिए बेहतर कंडीशन क्या है,
बेहतर कंडीशन ये है कि जो लैटिस एनर्जी है वो होनी चाहिए कम, ताकि थोड़ी सी एनर्जी में ये आपके गैसियस आयन में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। और हाइड्रेशन एनर्जी होनी चाहिए ज़्यादा, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा आपके किस में कन्वर्ट हो सके, आपके एक्वस फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है कि फॉर एन आयोनिक कंपाउंड, फॉर एन आयोनिक कंपाउंड टू बी सोल्यूबल, जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है आपकी, जो आपकी एनर्जी रिलीज है, टोटल एनर्जी रिलीज, टोटल एनर्जी रिलीज ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए, किससे, टोटल लैटिस एनर्जी से, टोटल लैटिस एनर्जी से, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी कंपाउंड सोल्यूबल कब होगा, जब आपके हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी आपके लैटिस एनर्जी से, ठीक है। ये रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर एन आयनिक कंपाउंड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। आपको दो तीन रिलेशन दे देगा, दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी लेस देन लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, और नन ऑफ द अबोव, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी शुड बी ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी, ठीक है। चलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ये हुई आपकी प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन की, कैसे आपका आयनिक कंपाउंड डिसोल्व होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलग अलग कंपाउंड्स की सोल्यूबिलिटी के बारे में, ठीक है। इसे एक बार आप नोट कीजिए, ओके। चलिए अब हम पढ़ते हैं आपके सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके हैवी मेटल जो आपके होते हैं उनके सोल्यूबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। देखिए सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ, और वी कैन से कंपैरिजन ऑफ सोल्यूबिलिटी, या आप सिंपल लिखिए सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हैवी मेटल्स, सोल्यूबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हैवी मेटल्स। हैवी मेटल्स में आप ले लीजिए Ag+ को, ठीक है, Hg2 2+ को ले लीजिए, और Pb2+ को ले लीजिए, ठीक है ना। ये एक स्पेशल केस है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये स्पेशल क्यों है, क्योंकि देखिए ये जो आपके हैवी मेटल्स होते हैं ना, ठीक है ना, इनकी अगर हम सोल्यूबिलिटी की बात करें तो इनका जो पोलराइजेशन पावर होता है ये होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इनकी जो पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होने की वजह से इनमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, जबकि अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े वो आपके आयोनिक कंपाउंड के लिए पढ़े, ठीक है। तो हम उसके बेसिस पे, मतलब जो लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी, उसके बेसिस पे हम इनकी सोल्यूबिलिटी को कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हमें इनकी सोल्यूबिलिटी का कंपैरिजन करना है तो हम केवल आपके लाइक डिसोल्व लाइक का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके बेसिस पर ही कर सकते हैं। मतलब जिस कंपाउंड के लिए आपकी कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा उसकी जो सोल्यूबिलिटी होगी वो क्या होगी, आपकी कम होगी। और जिसमें आपका कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, कोवलेंट कैरेक्टर कम होने का मतलब उसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, तो उस सोल्यूबल, उस कंपाउंड की जो सोल्यूबिलिटी होगी वो उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको उस कॉन्सेप्ट के यहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। चलिए इस यहाँ अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं द कंपाउंड ऑफ दीज, द कंपाउंड्स ऑफ दीज मेटल्स, दीज मेटल्स have high polarization power so they have more covalent character, so they have more covalent character, so for comparison of solubility of these compounds
वी यूज द प्रिंसिपल ऑफ वी यूज द प्रिंसिपल लाइक डिजोल्व लाइक। हम कौन सा प्रिंसिपल काम में लेते हैं? लाइक डिजोल्व लाइक को, ठीक है, मतलब जिसमें आपके कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होंगे उसकी सोलिबिलिटी कम होगी। जैसे आप बात करो सिल्वर के कंपाउंड की, अगर हम बात करें जैसे, और आप मेनली ये जो हम बात करेंगे ये हैलाइड्स के लिए बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ आप नोट भी कर सकते हो सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हैवी मेटल हैलाइड्स, यहाँ पे आप हैवी मेटल हैलाइड्स लिख लीजिए, ठीक है ना। हम हैलाइड्स के लिए बात करेंगे सिंपल यहाँ पे, जैसे आपके AgF हो गया, AgCl हो गया, AgBr हो गया, और ये आपका AgI हो गया, ठीक है। केटाइन तो सेम है, आपका एनायन है अलग अलग, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपको पूछूँ कि सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, तो आपको पता है एनायन का साइज जितना ज़्यादा होता है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर उतने ही ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे I माइनस जो है उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा है, ठीक है, ये आपका मोस्ट कोवेलेंट होगा, मोस्ट कोवेलेंट। अगर ये आपका मोस्ट कोवेलेंट है तो ये आपका जो AgF होगा ये क्या होगा, आपका मोस्ट आयोनिक होगा, क्लियर है। क्योंकि इसमें आपके कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होंगे, सबसे कम होंगे, क्योंकि क्योंकि आपके एनायन का साइज क्या है, कम है, ठीक है। तो अगर ये मोस्ट आयोनिक है तो इसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि लाइक डिजोल्व लाइक के हिसाब से आपके इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, मतलब ये Ag प्लस और F माइनस में ज़्यादा ब्रेक होने के इसके चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। और आपका जो वाटर है वो भी आपका पोलर है, ठीक है, वो भी H प्लस और OH माइनस फॉर्म में रहता है, मतलब आयन्स के फॉर्म में रहेगा, उसमें भी पोलर बॉन्ड होते हैं, तो वो क्या करेगा, जल्दी ही आपके Ag प्लस को और F माइनस को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, आपके एक्वस फॉर्म में, ठीक है। इसलिए इस आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम Pb लेड की बात करें, PbF2, PbCl2, ठीक है ना, PbBr2 और PbI2, ठीक है, तो भी आपके सेम कम आपका ऑर्डर रहेगा, दैट इज़ PbF2 ग्रेटर देन PbCl2 एंड PbCl2 ग्रेटर देन PbBr2 एंड PbBr2 ग्रेटर देन PbI2, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सोल्युबिलिटी की अगर हम बात करें, क्वेश्चन आता है हैवी मेटल्स के लिए, तीन इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं आपके Ag सिल्वर, Hg2+ और लेड Pb2+, तो आपको कोई लैटिस एनर्जी कोई हाइड्रेशन एनर्जी नहीं देखनी है, ठीक है। आपको सिंपल देखना है, आपका लाइक डिजोल्व लाइक का कॉन्सेप्ट देखना है, आपको कोवेलेंट कैरेक्टर कंपेयर करना है, और लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से आपको जो आपका मोस्ट आयोनिक होगा उसकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए ये स्पेशल केसेस होते हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और सोल्युबिलिटी एक इम्पोर्टेंट आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, एक अच्छा पोर्शन है, अच्छा पार्ट है, जिसके ऊपर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो कन्फ्यूजन वाला पार्ट होता है, इसलिए मैं आपको अलग अलग करके अलग से समझा रहा हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि हैवी मेटल के केस में अपने को कैसे अप्रोच करनी है, ठीक है। इसे आप नोट कीजिए, फिर हम बात करते हैं आपके दूसरे कंपाउंड्स के बारे में, उनकी सोल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, ओके। चलिए अब हम बात करते हैं आपके एस फ्लो कंपाउंड्स की सोल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। ये तो आपके हैवी मेटल के जो हैलाइड्स होते हैं उनकी सोल्युबिलिटी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं सोल्युबिलिटी फॉर एस फ्लो कंपाउंड्स, ठीक है, सोल्युबिलिटी फॉर एस ब्लॉक कंपाउंड्स। तो देखिए अगर हम एस ब्लॉक कंपाउंड्स के लिए सोल्युबिलिटी की बात करें, तो देखिए यहाँ पे आपके फैक्टर काम में आते हैं लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं फॉर कंपैरिजन ऑफ सोल्युबिलिटी of S block compounds we use the lattice energy and hydration energy factors, ठीक है। तो हमें पता है lattice energy, हमने बात की है
लेटिस एनर्जी जो होती है आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके आर सी प्लस आर ए के, ठीक है। और आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर ए के, ठीक है। तो अब देखिए, डिपेंड करेगा आपका लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी में से आपका कौन सा फैक्टर है जो डोमिनेट करेगा सोल्युबिलिटी के लिए, या तो लेटिस एनर्जी करेगा या फिर आपका हाइड्रेशन एनर्जी करेगा। तो यहाँ पे हमें अलग अलग केस लेने पड़ेंगे। हमें पता है कि आपकी जो लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दोनों डिपेंड करिए आपके केटायन और एनायन उनकी साइज के ऊपर, ठीक है। तो अगर आप एक ग्रुप में बात करते हो तो आपके आप देखोगे अगर एनायन आपका फिक्स हो जाए, ठीक है, या हो सकता है अलग अलग इसमें केस हो सकते हैं, जैसे आपका एनायन साइज में बड़ा हो केटायन से, या उसके बराबर हो, या फिर आपके उसके छोटा हो, ठीक है। तो अलग अलग केस के बेसिस पे हमें लेटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा कि आपका कौन सा फैक्टर कब हमें काम में लेना है। तो अलग अलग हम केस देखेंगे इसमें। फर्स्ट केस जो आएगा आपका केस वन, अगर हम बात करें केस वन क्या है आपका, इफ रेडियस ऑफ एनायन जो आपका एनायन है वो साइज में बड़ा हो, इफ साइज ऑफ एनायन इज बिगर देन साइज ऑफ कैटायन, ये लिख लीजिए आप साइज ऑफ कैटायन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके जो साइज ऑफ एनायन है वो केटायन से ज़्यादा है, मतलब आर सी जो है आपका वो वेरी वेरी लेस देन आपके आर ए के, ठीक है। बिगर देन मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी है, ठीक है ना, साइज एनायन की, तो वेरी वेरी मच बिगर देन केटायन की साइज से। तो अगर हम बात करें आपके लेटिस एनर्जी के लिए, तो देखिए लेटिस एनर्जी यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स आपके काम में आएगी, ठीक है ना। तो देखिए लेटिस एनर्जी जो हमें पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर सी प्लस आर ए के, ठीक है। अब क्योंकि आर सी जो है वो वेरी वेरी लेस देन है आपके आर ए से, इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो जब हम इसे नेग्लेक्ट करेंगे रेडियस ऑफ केटायन को, तो जो लेटिस एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, आपके सिंपल रेडियस ऑफ एनायन के ऊपर। अब अगर यहाँ पे हम जो एनायन है उसको फिक्स कर दें, एनायन को फिक्स करने का मतलब जब आप एक ग्रुप में कंपेरिजन करते हो सोल्यूबिलिटी का, जैसे लिथियम सोडियम पोटेशियम, उनकी जब आप जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जब आप सोल्यूबिलिटी का कंपैरिजन करोगे तो आपका जो एनायन होगा वो तो हमें सब फिक्स रहेगा, ठीक है, वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो अगर आपका एनायन फिक्स है, मतलब उसकी रेडियस ऑफ एनायन क्या हुई, फिक्स हुई, तो अगर आपकी रेडियस ऑफ एनायन फिक्स है तो आपकी जो लेटिस एनर्जी है वो भी क्या होगी, ऑलमोस्ट फिक्स ही होगी। मतलब अगर आपके यहाँ पे हम कहें इफ केटायन इज फिक्स्ड, इफ और यू कैन से एनायन इज फिक्स, इफ एनायन इज फिक्स्ड देन द लेटिस एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम। जो लेटिस एनर्जी है वो सबके लिए क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने रेडियस ऑफ एनायन को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, ठीक है। तो हम यहां ये भी हम लिख लेते हैं, इफ आर सी इज वेरी वेरी लेस देन आपके आर ए, वी कैन नेग्लेक्ट द आर सी इन कंपेरिजन टू आर ए, और हम क्या लिख सकते हैं, आर सी प्लस आर ए को हम ऑलमोस्ट इक्वल लिख सकते हैं आपके आर ए के, ठीक है। ये चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पहली बात तो ये हुई किसके लिए, लेटिस एनर्जी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे, चलिए आपका एनायन तो बड़ा है केटायन से, ठीक है, तो लेटिस एनर्जी जो है आपका फिक्स हो गई है, क्यों, क्योंकि हमने एनायन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अब हम बात करेंगे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी के लिए, ठीक है। तो अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी के लिए अगर हम बात करें, हाइड्रेशन एनर्जी ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, आपके वन अपॉन आर सी प्लस वन अपॉन आर ए के, इफ आर सी इज वेरी वेरी लेस देन आपके आर ए, तो वन अपॉन आर सी जो होगा आपके वेरी वेरी ग्रेटर देन होगा वन अपॉन आर ए से, ठीक है, सिंपल मैथ से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये जो टर्म है
इसको हमें नेग्लेक्ट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है, तो आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, 1/RC के। तो इस कंडीशन में आपके, किस कंडीशन में, जब आपके एनायन जो है आपका साइज में बड़ा है, तब आपके जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि आपका लैटिस फैक्टर, लैटिस एनर्जी वाला जो फैक्टर है उसको तो हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, हमने एनायन की साइज को फिक्स कर दिया, उससे आपका लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर फिक्स हो गया। अब जो आपका डोमिनेटिंग फैक्टर है वो कौन है, आपका हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आरसी, मतलब जैसे जैसे आपके केटायन की साइज इंक्रीज होगी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है, और जैसे जैसे आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होती है। आपको ये भी ध्यान रखना है, ये मैंने आपको पहले बताया था, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी, जितनी आपकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, ज़्यादा ही होगी, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इफ, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं टॉप टू बॉटम, तो आरसी मतलब केटायन की जो साइज है, रेडियस, वो क्या होगी आपके इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होती है, तो आपके हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। इफ, और वी कैन से ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द वैल्यू ऑफ आरसी इंक्रीजेस, सो द हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीजेस, एंड दैट इज वाई सोल्युबिलिटी विल ऑल्सो डिक्रीजेस, आपकी सोल्युबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। चलिए यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको एग्जांपल, जैसे देखिए हेवी एनायन की साइज बड़ी है, मतलब एनायन जो है आपका बड़ा है। अब बड़े एनायन के एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं, आप ले लीजिए सल्फाइट ले लीजिए SO4 2- ठीक है, आप ले लीजिए कार्बोनेट ले लीजिए CO3 2- बाइकार्बोनेट ले लीजिए HCO3-, ठीक है, या फिर आप क्रोमेट ले लीजिए Cr2O7 2- डाइक्रोमेट ले लीजिए, ठीक है ना। ये जो आपके बड़ी साइज़ के एनायंस है, ठीक है, इनकी बात चल रही है अपने यहाँ पे, ठीक है, ये हो गए बड़ी साइज़ के आपके एनायन। तो अगर हमें इनका कंपेरिजन करना पड़े, जैसे हमें कंपेरिजन करना पड़े Li2, हम ले लेते हैं क्रोमेट के लिए, ठीक है, डाइक्रोमेट के लिए Li2 Cr2O7, या फिर आपका Na2 Cr2O7, आप ले लीजिए K2 Cr2O7, Rb2 Cr2O7, ठीक है। यहाँ हमें अब सोल्युबिलिटी का कंपैरिजन करना है, तो हमें देखना है एनायन की साइज़ बड़ी है, ठीक है, तो आपको हाइड्रेशन एनर्जी से जाना है। हमें पता है टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रही है, आपकी साइज इंक्रीज हो रही है, साइज इंक्रीज होने से हाइड्रेशन एनर्जी कम हो रही है, तो आपकी सोल्युबिलिटी भी कम होगी, मतलब आपकी लिथियम की जो डाइक्रोमेट है उसकी सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी, ठीक है, और डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगी, आपकी डिक्रीज होगी, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए बेरिलियम सल्फेट MgSO4 CaSO4 SrSO4, यहाँ भी आप कंपैरिजन करोगे तो सेम ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सोल्युबिलिटी का कंपैरिजन करना है, ठीक है, ये तो ही नॉर्मल बात, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे अलग अलग केस बनते हैं आपके एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए। एस ब्लॉक की हम बात करें, एस ब्लॉक में आपके दो ग्रुप हैं, एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पर आपके सोल्युबिलिटी में क्या होता है, ऑर्डर चेंज होता है, ठीक है, ये तो आपका नॉर्मल ट्रेंड है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एल्केली मेटल के लिए कौन सा ऑर्डर होता है और एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए कौन सा ऑर्डर होता है, ठीक है ना, एक बार आप इसे नोट कीजिए। तो देखिए अब अगर हम बात करें एल्केली मेटल्स के लिए, ठीक है ना, हम बात करते हैं आपके एस ब्लॉक के लिए, ठीक है ना,
एस ब्लो कंपाउंड्स, ठीक है। एस ब्लो कंपाउंड्स में आपकी इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज एल्केली मेटल और ये आपके एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के लिए, ठीक है। अब यहां हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट आपके एनायन से उनके लिए जो आपको याद रखने हैं वो है आपके कार्बोनेट CO3-2-, ठीक है, आपके बाइकार्बोनेट HCO3-, सल्फाइट SO4-SO3-2-, और आपका सल्फेट SO4-2-, ठीक है। ये चार आपको एनायन से जो ध्यान रखने हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस इनके ऊपर बेस्ट आते ही हैं, ठीक है ना। अगर सोल्युबिलिटी से क्वेश्चन आएगा तो इनके ऊपर बेस्ट आएगा डेफिनेटली, ठीक है। तो एस ब्लॉक के लिए हम इन्हें डिवाइड करते हैं एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल में। तो एल्केलाइन अर्थ मेटल में तो आपका सेम ऑर्डर रहता है जो हमने अभी बात की, कि जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन, ये जो हमने अभी बात की कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाते हो साइज ऑफ कैटायन क्या होती है, इंक्रीज होती है, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होती है और इस वजह से आपकी सोल्युबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। जैसे अभी हमने डाइक्रोमेट का आपका एग्जांपल लिया था और बेरिलियम का एग्जांपल लिया था, जैसे बेरिलियम कार्बोनेट BeCO3, MgCO3, CaCO3, SrCO3, यहाँ हम बात करेंगे तो सेम रहेगा ऑर्डर, ठीक है। BeCO3 की सबसे ज़्यादा होगी सोल्युबिलिटी, ठीक है, या फिर BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4, ठीक है, सेम ऑर्डर। तो कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड और सल्फेट, चार के लिए आपको डेफिनेटली याद रखना है। एल्केलाइन अर्थ मेटल है तो हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, ठीक है, और हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी होती है, ठीक है। ये तो ही बात इसकी एल्केली मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल की। एल्केली जो मेटल होती है यहाँ पे जो ऑर्डर होता है वो हो जाता है रिवर्स, ठीक है। हियर द ऑर्डर इज रिवर्स, रिवर्स मतलब यहाँ जो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके साइज ऑफ कैटायन के। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे आपकी जो लैटिस एनर्जी वाला जो फैक्टर है जिसको हमने नेगलेक्ट किया था वो यहाँ पे नेगलेक्ट नहीं हो पाता है, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा ही कम हो जाती है, ठीक है, हम इसलिए हम उसको क्या करते हैं, नेगलेक्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली तो वैसे ही ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिकल होती है जिनको आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वहाँ पे यहाँ पे इस कंडीशन में आपका लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर काम मतलब डोमिनेट मतलब वो भी आपके काम करने लग जाता है, ठीक है, जिस वजह से आपकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आपके साइज ऑफ कैटायन के ऊपर। तो जैसे यहाँ हम बात करें आपके Li2CO3, ठीक है, Na2CO3, K2CO3, इनकी अगर हम बात करें, ठीक है, Rb2SO3 ले लीजिए आप, यहाँ अगर हम बात करेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज है तो यहाँ साइज के की सबसे बड़ी है, एनायन तो फिक्स है, के की सबसे बड़ी है तो आपकी हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। यहाँ पे आप कार्बोनेट की जगह सल्फेट ले लीजिए, सल्फाइट ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हो आप, ठीक है, जैसे Li2SO4 ले लीजिए, उसका भी अगर आपको एग्जाम्पल लेना है तो Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, ठीक है, ऑर्डर सेम रहेगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है आपके साइज है, क्लियर है। तो सोल्युबिलिटी का जब भी कॉन्सेप्ट आएगा आपको यही चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे जो हाइड्रेशन एनर्जी है इसको हम कंपैरिजन कर रहे हैं सोल्युबिलिटी से, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, या फिर आपका सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, ठीक है ना। तो आप यहाँ हाइड्रेशन एनर्जी या फिर आप इसे सोल्युबिलिटी भी लिख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि जो आपकी सोल्युबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि आपके हाइड्रेशन एनर्जी के, ठीक है, क्लियर। ये बात हुई आपके किसके लिए, एस ब्लॉक कंपाउंड्स के लिए, इंपॉर्टेंट थी
जो आपको ध्यान रखनी है, याद रखना ही है आपको, ठीक है ना। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं और जो भी आपके जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो मोस्टली आपके इन्हीं क्वेश्चंस में गलती करते भी हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, कुछ चीज़ें होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको फोर्सफुली याद रखनी पड़ती है, ठीक है। आपको ज़्यादा अटेंशन देना पड़ता है उन चीज़ों के ऊपर, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तभी आप उसमें परफेक्ट हो पाओगे, तभी आपको एग्ज़ाम में वो चीज़ें याद रहेगी, ठीक है। तो उनमें से एक ये चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अलग अलग केस बनते हैं, आपको अलग अलग केस के हिसाब से आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये तो था अपना फर्स्ट केस जहाँ पे आपके N9 की साइज़ क्या थी, बड़ी थी। क्या हो अगर आपके N9 की साइज़ छोटी हो, ठीक है, उसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए, अब अगर हम बात करें अपने केस टू के लिए, जब आपके N9 की साइज़ क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। केस वन तो क्या था, जब आपके N9 की साइज़ क्या थी, बड़ी थी। केस टू क्या रहेगा आपके, जब आपके N9 की साइज़ क्या हो, स्मॉल हो, ठीक है। केस सेकंड, व्हेन द साइज ऑफ N9 इज स्मॉलर, ठीक है। जब आपके N9 की साइज क्या हो, स्मॉल हो, जैसे आप ले लीजिए O-, ठीक है, O2-, या फिर F- ले लीजिए आप, Cl- ले लीजिए, Br- ले लीजिए, ठीक है ना। इस टाइप के आपके जो आयंस होते हैं, ठीक है ना, जो आपके स्मॉल एनायंस होते हैं, ठीक है, अगर इनके लिए हम बात करें तो वही आपके फैक्टर्स। बात करते हैं आपकी फर्स्ट लेटिस एनर्जी के बारे में, ठीक है। लेटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RC+RA, ठीक है। अब आपका साइज किसकी छोटी है, N9 की साइज छोटी है, तो यहाँ पे हम N9 की साइज को क्या करेंगे, नेगलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी जो लेटिस एनर्जी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, रेडियस ऑफ केटायन के, ठीक है। चलिए बात करते हैं आपकी हाइड्रेशन एनर्जी के लिए। हाइड्रेशन एनर्जी इज इन्वर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/RC+1/RA, ठीक है। आपके साइज किसकी छोटी है, N9 की। N9 की अगर साइज छोटी है तो 1/RA क्या होगा, बड़ा होगा। तो यहाँ पे इस टर्म को हमें क्या करना है, नेगलेक्ट करना है। और यहाँ पे डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा आपका, 1/RA। तो हम यहाँ पे अगर हम हाइड्रेशन एनर्जी की बात करें तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/RA के, ठीक है। और लेटिस एनर्जी जो है आपके 1/RC के आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अब देखिए, हमने अभी देखा था, हमने N9 को क्या किया था, फिक्स किया था। तो लास्ट केस में जब हम N9 को फिक्स किया तो आपकी लेटिस एनर्जी क्या हो गई थी, फिक्स हो गई थी। N9 फिक्स होने की वजह से इस बार क्या होगा, आपकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। तो इस बार जो आपके डोमिनेटिंग फैक्टर होगा वो कौन सा होगा, आपके लेटिस एनर्जी, ठीक है। हियर लेटिस एनर्जी विल बी द डोमिनेटिंग फैक्टर, ठीक है। तो अब अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करेंगे तो किसके बेसिस पे करेंगे, आपके लेटिस एनर्जी के बेसिस पे, ठीक है। चलिए, ये तो बात हो गई। अब आपको पता है लेटिस एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RC, ठीक है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/RC के। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, रेडियस ऑफ केटाइन क्या होती है, इंक्रीज होती है। अगर रेडियस ऑफ केटाइन इंक्रीज होगी तो आपकी लेटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेटिस एनर्जी डिक्रीज होने से क्या होता है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, लेटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा कम होगी आपका जो कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड, वो उतनी ही जल्दी क्या होगा, आपके गैसेस कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस में ब्रेक होगा, मतलब A+ गैस और A- गैस में तुरंत ब्रेक होगा आपका। क्यों, क्योंकि आपकी लेटिस एनर्जी कम है, आपको कम एनर्जी देनी पड़ी और वो आपका आयन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अगर आपका आयन ज़्यादा ब्रेक हो रहा है तो आपकी जो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है, ऑन मूविंग, आप यहाँ लिखिए लेटेस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/RC, ठीक है। अब लिखिए आप ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, जब आप डाउन द ग्रुप मूव कर रहे हो तो आपकी आरसी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, लेटिस एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द लेटिस एनर्जी डिक्रीजेस, सो द सोल्युबिलिटी
विल बी इंक्रीजेस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहां हम कह सकते हैं कि जो आपकी सोल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है आपके साइज ऑफ केटायन के। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन। जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम जाओगे साइज ऑफ केटायन इंक्रीज होगा, लैटिस एनर्जी डिक्रीज होगी और आपकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, चलिए अगर हम यहाँ इसके अगर हम एग्जांपल लें और एग्जांपल की बात करें, जैसे आप ले लीजिए एल आई एफ, एन ए एफ, के एफ, आर बी एफ। ठीक है, केटाइन अलग अलग है, एनाइन आपका सेम है, केटाइन है। केटाइन के लिए अगर हम बात करें सोल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटाइन, जितना ज़्यादा साइज ऑफ केटाइन होगा उसकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। केटाइन की साइज सबसे ज़्यादा किसकी, आपकी आर बी की, तो यहाँ पे आपका ये ऑर्डर रहेगा। ठीक है, ये आपके एल्केली मेटल के लिए। वहीं अगर हम बात करें एल्केलाइन अर्थ मेटल के लिए, जैसे बी ई एफ टू, एम जी एफ टू, सी एफ टू, एस आर एफ टू, यहाँ पे फिर से आपका एक्सेप्शन आ जाता है। ठीक है, जो बी ई एफ टू है, बेरिलियम के जो आपके हैलाइड्स है, ठीक है, इनकी जो होती है हाइड्रेशन एनर्जी वो बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे हमने लास्ट केस देखा था एल्केली मेटल के लिए, वहाँ पे आपका जो ऑर्डर था वो रिवर्स हो गया था। सेम टू सेम आपके यहाँ पे भी होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका डोमिनेटिंग फैक्टर होगा आपके कौन सा, हाइड्रेशन एनर्जी वाला, किसके लिए, बेरिलियम के हैलाइड्स के लिए। बेरिलियम का जो फ्लोराइड है बी ई एफ टू, इसकी जो हाइड्रेशन एनर्जी है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे कम बी ई एफ टू की होनी चाहिए, बट बी ई एफ टू की आपकी BEF2 की जो आपकी सोल्युबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, उसके बाद आपका नॉर्मल ट्रेंड है, सबसे साइज बड़ी किसकी, SRF2 है, तो उसकी आपकी सोल्युबिलिटी ज़्यादा होगी। फिर आपके CEF2, देन आपके MgF2। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। BEF2 की सोल्युबिलिटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। BEF2 हैव हाईएस्ट सोल्युबिलिटी, ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, इसलिए इसकी जो सोल्युबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। इवन आप बात कीजिए, ये जो आपके कंपाउंड है जितने, उसमें केवल BEF2 ही सोल्यूबल होता है, बाकी जो दूसरे कंपाउंड हैं आपके वो तो सोल्यूबल ही नहीं होते। ठीक है ना, BEF2 इज सोल्यूबल, ये आपका सोल्यूबल होता है, बाकी जो आपके कंपाउंड्स हैं वो तो आपके सोल्यूबल ही नहीं होते। और इसके अलावा एक और बात कि जो आपके बेरिलियम के कंपाउंड्स होते हैं उनकी सोल्यूबिलिटी आप किसी से भी कंपेरिजन कीजिए, ठीक है, हाई हाइड्रेशन की वजह से बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो सोल्यूबिलिटी होती है सबसे ज़्यादा होती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, BEF2 हैव हाईएस्ट सोल्युबिलिटी ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, और साथ में आप लिख लीजिए बेरिलियम के जो कंपाउंड्स है सभी के लिए ये, ठीक है ना, BEF2 एंड कंपाउंड्स ऑफ बेरिलियम हैव हाईएस्ट सोल्युबिलिटी ड्यू टू इट्स हाई हाइड्रेशन एनर्जी। मतलब सभी बेरिलियम के जितने भी कंपाउंड्स की आप कंपैरिजन करोगे उसमें सबसे ज़्यादा सोल्युबिलिटी होगी किसकी होगी, आपके बेरिलियम की होगी। ठीक है, तो इसको आपको नोट करके लिखना है। ठीक है, नोट करके इस चीज़ को आपको हाईलाइट करके लिखना है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं ना इनको आप हाईलाइट कर लिया करो, नोट कर लिया करो, ठीक है ना, स्टार मार्क लगा दिया करो कि आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए ये तो ये बात किसके लिए, जब आपकी साइज केटाइन और एनाइन की आपकी स्मॉल होती है या हाई होती है, दोनों केस हमने देख लिए। ठीक है, इसमें आपका केवल एक लास्ट केस बाकी है, ठीक है ना, वो हम पढ़ लेते हैं। लास्ट केस है आपका ऑक्साइड का, हाइड्रोक्साइड्स का, OH- का, ठीक है ना, उसको हम स्मॉल एनाइन और
बिगर एन आयन दोनों कैटेगरी में नहीं रहते हैं, इसलिए हम उसको अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है ना। एक बार आप इसे नोट कीजिए। लास्ट केस हम देख लेते हैं आपके हाइड्रोक्साइड्स के लिए, ठीक है। सोलिबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोक्साइड्स, जिसे हम बोलते हैं आपका OH माइनस, ठीक है। अगर हमें हाइड्रोक्साइड्स के बारे में कंपेरिजन करना हो तो हम कैसे करेंगे? सिंपल सा है जो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, कि सोल्युबिलिटी जो होती है हाइड्रोक्साइड्स के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन है, ठीक है। देखिए हमने एनायन जो है सब में फिक्स किया हुआ है, ठीक है ना, तो हम कैटायन की साइज से ही बात करेंगे, ठीक है। तो सोल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ कैटायन, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर आपकी साइज ऑफ कैटायन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आपकी जो सोल्युबिलिटी है वो भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। सोल्युबिलिटी इंक्रीजेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे आप बात कीजिए LiOH, NaOH, KOH, RbOH, सिंपल है, साइज बढ़ी हुई है, टॉप टू बॉटम जाने पे आपकी सोल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। बात करते हैं पेरिलियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SrOH होल ट्वाइस। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बेरिलियम के जो कंपाउंड्स होंगे उनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होती है। बट बेरिलियम की अगर हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करें तो ये होता है नेचर में आपका एम्फोटेरिक, नेचर में क्या होता है आपका एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक का मतलब होता है जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करे। अब मान लो ये अगर बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो बेस बेस के साथ रिएक्शन नहीं कर सकता है, मतलब इसमें जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या होना चाहिए, आपका कम होना चाहिए, क्लियर है। एम्फोटेरिक है नेचर में, मतलब ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब बेस बेस के साथ तो रिएक्शन नहीं कर सकता है, ठीक है ना, इसका मतलब इसमें जो बेसिक कैरेक्टर है वो क्या है, कम है। तो आपका ऑर्डर क्या होगा, BeOH होल ट्वाइस सबसे कम होगा, फिर आपका जो ऑर्डर है सेम रहेगा। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि अगर हमें हाइड्रोक्साइड की जो सोल्युबिलिटी है उसका अगर हम कंपैरिजन करना है तो हम यहाँ पे आपके लैटिस एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी, ये कोई फैक्टर काम में नहीं लेते, हम यहाँ पे फैक्टर काम में लेते हैं आपके बेसिक कैरेक्टर को, ठीक है। आप यहाँ लिखिए, ठीक है, फॉर कंपेरिजन ऑफ For comparison of solubility of hydroxides, we use the basic character factor, ठीक है। हम आपके basic character जो आपका फैक्टर होता है उसे हम यूज़ करते हैं, और हमें पता है कि ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, सो the solubility will also increases, ठीक है। जो हमने यहाँ पे देखा solubility is directly proportional to size of cation, टॉप टू बॉटम जाओगे बेसिक कैरेक्टर बढ़ रहा है या फिर आपका साइज बढ़ रहा है, किसी भी फैक्टर से देखिए। हम यहाँ पे हाइड्रोक्साइड के लिए बेसिक कैरेक्टर से देखते हैं, ठीक है, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है इसलिए आपकी जो solubility है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो आपके RbOH और SrOH होल ट्वाइस इनकी सोल्युबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्लियर है। चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए।
ओके तो देखिए आज के लेक्चर में हमने बात की आपके एप्लीकेशन ऑफ फैजान्स रूल में सोल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है ना। हमने अलग अलग फैक्टर्स काम में लिए, ठीक है। हमने देखा कि सोल्युबिलिटी जो होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले नेचर ऑफ सॉल्वेंट हमने देख लिया, हमने फिक्स कर लिया नेचर सॉल्वेंट, हमने फिक्स कर लिया वाटर। तो अब हम सोल्युबिलिटी बात करेंगे वाटर के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने बात की लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी के ऊपर कि आपका जो सोल्युबिलिटी है वो हम कंपेरिजन करेंगे लैटिस एनर्जी या फिर आपके हाइड्रेशन एनर्जी से, ठीक है। उसके बाद हमने आपके जो आपके हैवी मेटल्स हैं उनके लिए सोल्युबिलिटी देखी Ag प्लस Hg2 2 प्लस और Pb 2 प्लस के लिए। तो वो केस अलग है, ठीक है, उसको आपको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पे आपको लाइक डिजोल्व लाइक के कॉन्सेप्ट से आपको काम करना है, ठीक है। उसके बाद हमने बात की आपके एस ब्लॉक के लिए, ठीक है। एस ब्लॉक के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके लिए एल्कली मेटल्स के लिए अलग और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए अलग। मेनली आपको कार्बोनेट बाइकार्बोनेट सल्फेट और सल्फाइड के लिए याद रखना है। एल्कलाइन अर्थ मेटल में सोल्युबिलिटी जो होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होती है साइज के, और एल्कली मेटल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है आपके साइज के, ठीक है। वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं इनमें से और आते ही हैं, ठीक है ना। तो एक बार आपने समझ लिया, दो चार बार प्रैक्टिस कर ली तो आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने बात की आपके स्मॉल साइज एनायन के लिए, जैसे ऑक्सीजन हो गया या फिर आपके फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड हो गए, ठीक है, उनके लिए हमने बात की, ठीक है। उनके लिए होता है आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज के हिसाब से हमने बात की। और लास्ट में हमने बात की आपके हाइड्रोक्साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पे भी आपके सोल्युबिलिटी है जो वो आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके साइज ऑफ केटाइन के, ठीक है। चलिए आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं, और यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है फैजान्स रूल की वो भी कंप्लीट होती है। ये यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये हमने पढ़े आपके आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। आयोनिक जो बॉन्ड होता है हमने स्टार्ट किया था उसके बारे में हमने धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया, और आयोनिक बॉन्ड में ही आपके कोवेलेंट कैरेक्टर आते हैं, और फिर वहाँ से हमने फैजान्स रूल और उनके फैक्टर्स और उनकी एप्लीकेशन के बारे में बात की। यहाँ पे अपना एक पोर्शन कंप्लीट होता है जो आपका होता है आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोवेलेंट कंपाउंड्स के लिए बात करेंगे, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए बात करेंगे। और उससे पहले आपके लुईस ऑक्टेट रूल क्या होता है, एक दो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।